बंगाल के एक बड़े हिस्से में काफी आदिवासी जनजाति रहते हैं, जैसे कि बांकुड़ा, पुरुलिया, मिदनापुर वगैरह वगैरह। तो मैं जानना चाहते हैं कि हमारे बंगाल की जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की संख्या क्या है, और आगे ये आदिवासी बच्चों को और ज़्यादा शिक्षा देने के लिए सरकार की तरफ से ऐसा कोई पहल किया जाता है या नहीं। और इसके साथ साथ एकलव्य मेडिकल स्कूल से तो पढ़ाई के बाद वो अगले जाके क्या कहते, कोई ट्रैकिंग सिस्टम है आपके पास कि हम आकलन कर सके कि हाँ इसके आगे या एकलव्य स्कूल के इतने बच्चे यहाँ तक पहुँचे, ये मैं जानना चाहता हूँ।